गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू गाइस, वेलकम टू डेली प्रेडिक्शंस विद गौतम वर्मा। सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। टुडे इज 28th of October एंड द डे इज वेडनेसडे। सो चलिए आज के दिन के बारे में हम जानते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट टुडे, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि पहले मैं रीडिंग करता था वैसे ही आज करूँगा। ये एक शॉर्ट शॉर्ट मेथड है जिससे कि आप खुद अपने दिन के बारे में जान सकते हैं, यानी कि आप इसमें चुनाव कर रहे हो, मैं आपका चुनाव नहीं कर रहा। सो आपको क्या करना है, नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक किसी भी एक नंबर को आपने चूज़ कर लेना है। इधर चूज़ नंबर 1, इधर चूज़ नंबर 2, इधर चूज़ नंबर 3, इधर चूज़ नंबर 4, इधर चूज़ नंबर 5। किसी भी एक नंबर को आप चूज़ कर लें, फिर उसके अनुसार मैं आज आपका भविष्य आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो हेड फॉर नंबर 1। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उनका कार्ड आज निकालते हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड, वाओ, ये सबसे स्पिरिचुअल कार्ड है टैरो डेक में। सो दिस इज़ द बेस्ट कार्ड व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन इट कम्स टू हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस विच आर मेटाफिजिकल बियॉन्ड समवन्स फिजिकल बॉडी। सो दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आर कॉइंड अंडर दिस पर्टिकुलर कार्ड हाई प्रीस्टेस, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस। बट ये कार्ड का आज क्या मतलब है कि आज आप काफ़ी स्पिरिचुअल डे आज आपका रहेगा। आप मंदिर जा सकते हैं, कोई पूजा वगैरह कर सकते हैं, राइट। और अगर आप प्लान नहीं कर रहे थे, आज आप कर लीजिए, क्योंकि आज आपकी अरदास सुन ली जाएगी। आप बहुत देर से अरदास कर रहे थे कि भाई मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो आज आप करके देखिए तो आपको बहुत जल्दी उसके लाभ मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग योर डे। अब लेट्स गो हेड फॉर कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए आज सिकनेस है, आज बीमारी कोई ना कोई आपको घेरेगी, कोई इन्फेक्शन, या आजकल सीजनल यू नो फ्लू वगैरह बहुत फैला हुआ है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोरोना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल जो थोड़ा बहुत कोल्ड वगैरह लग जाता है। सो जस्ट सेव योर सेल्फ, ट्राई टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यू नो यही इसमें प्रैक्टिकल जो मैं कह सकता हूँ आपको बात, वो यही है कि ट्राई टू वेयर सम प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू हैव सम हॉट ड्रिंक्स, हॉट बेवरेजेस, यू नो ट्राई टू अवॉइड समथिंग कोल्ड एंड ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन द लेट आवर्स। सो आफ्टरनून में आप जरूर बाहर जाइए एंड ट्राई नॉट टू बी यू नो इन ए टेम्परेचर दैट इज वेरी कोल्ड एंड सडनली यू गो आउटसाइड एंड इट्स हॉट, राइट। ट्राई टू अवॉइड द सडन अब्रप्ट चेंजेस इन द टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर डे। प्लस ट्राई टू सेव मनी टूडे, डोंट स्पेंड, ओवर स्पेंड। इफ यू were planning to buy something today, you know, which is very expensive, try to avoid it today, because today you might can lose a lot in terms of the deal. अगर आप कोई डील करने जाएंगे तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं कोई मनी वगैरह लूज करके आएंगे। Try to avoid signing contracts today. Now let's go ahead for card number 3. What can you expect today? Okay, so today you will be relaxing a lot. आज बहुत relax करेंगे, because today you're feeling tired, you're feeling oh my god, I've done a lot of work, I need to just relax. And this is only the guidance I can give you, just relax today. Don't try to panic, don't try to be in flight and fight. Normally kya hota hai ki jab hum is tarah fight and flight mode mein rehte hain to we release cortisol, and cortisol is bad for our health, right? Try to relax. When you relax, good hormones are secreted by our body, right? Now let's go ahead for the card number 4. What can you expect today? Card number 4, Knight of Cups is there. Knight of Cups means today it would be a romantic day for you, right? For a young female, there would be emergence of a man in your life. If you are single, if you are already having someone in your life, yes, that person can come back to you in a more, you can say, positive manner. So the relationship would be the main theme today. So romantic relations, if I have to precisely tell you, romantic relationships are at the peak today. So you are going to experience a lot of divine love from your partner. Aapke partner aapko bahut zyada pyar vagaira denge, so it is a very beautiful day for you. Try to make the most out of it. Now let's go ahead for card number 5. What can we expect today? Ace of Swords is there. Wow, intellectual victory is there. So today you are going to have a victory at the intellectual front. So iska kya matlab hai? इसका मतलब है कि आज कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलेगी, राइट। आपके वर्क पे लोग आपसे प्रभावित होंगे, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो वो भी आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें क्वालिटी आएगी, उसमें प्रशंसा आपको मिलेगी और सफलता आपके हाथ आएगी। आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको
मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग ऑल द कार्ड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू वुड हैव लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज रेगुलरली सो दैट आई कैन स्प्रेड द मैसेज टू द जनरल पब्लिक। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।